विलेज पार्क शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 और 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की समीक्षा भी की गई और साथ ही 10 जुलाई को होने वाले 3 उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तय की गई। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए आप भी। अभी 3 उपचुनाव घोषित हो चुके हैं और ये 3 उपचुनाव जो घोषित हुए हैं, इसका जो खर्चा जो करोड़ों रुपए का होगा, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कि अगर ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ होते तो करोड़ों रुपए जो इलेक्शन में खर्च होता है वो बचने थे, उसी कैंपेन का हिस्सा होना था। ये 3 उपचुनाव हम जीतेंगे और उसके साथ साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर CPS वाला फैसला भी आने वाला है, जो उनके लिए सुखद नहीं होगा, सरकार के लिए दुखद होगा और ऐसे में सरकार फिर संकट में ही रहेगी। वही विधायक दल की बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित हुए। एक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3री बार प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को 2री बार केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई दी गई। दूसरे प्रस्ताव में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से BJP ने 61 विधानसभा क्षेत्रों में जीत दर्ज की है, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया गया। हमारे लिए सबके लिए गौरव की बात है, जहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी 3री बार देश के प्रधानमंत्री बने, वहीं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिन्होंने अपना अध्यक्ष के नाते एक सफलतम कार्यकाल किया और अब उन्हें पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य परिवार कल्याण और साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का दायित्व मिला है। हिमाचल के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हिमाचल के एक सपूत और उनको बेहतरीन स्थान दिया माननीय मोदी जी ने, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। गौरतलब है कि 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में अगर 3 पूर्व निर्दलीय विधायकों के नामों पर मोहर लगी तो अपनों को मनाना BJP के लिए बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि इससे पहले हुए 6 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में भी BJP को 4 सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।